किसान भाइयों, अप्रैल माह चल रहा है। ये माह किसानों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस माह में किसान अपनी खेतों की तैयारी, गुड़ाई निकाई आदि करता है। आप देख रहे हैं कि वीडियो में एक किसान फरवरी माह में बोए गए गन्ने की जुताई कर रहा है। इस जुताई से अनावश्यक उपजे खरपतवार जो खेत में डाले गए खाद का उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से जुताई करके किसान इन खरपतवारों को ख़त्म करके वो खाद डाली गई खाद का उपयोग गन्ने में करेगा। अप्रैल माह में कर्षण किया कर देने से जो अनावश्यक पौधे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और पौधा भरपूर विकास करता है। अप्रैल माह में भयंकर गर्मी होने से ये खरपतवार सूख जाते हैं और खेत बिल्कुल साफ़ हो जाता है। खेत में खाली गन्ने के पौधे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि फुटाव का मौसम है तो गन्ना एक आँख से एक ही निकलता है। अब इसमें कल्ले होंगे और कल्ले होकर के एक से तीन पौधे बन जाएंगे। इन पौधों का विकास के लिए खाद की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में कोई भी खरपतवार नहीं उगना चाहिए। जितना कम खरपतवार होगा गन्ने का फसल भी उतनी अच्छी होगी। खरपतवार नष्ट करने के लिए या तो हाथ से कुदाल से गुड़ाई की जाती है या फिर पारंपरिक देसी हल से जुताई कर दी जाती है। देसी हल से जुताई करने के बाद में इसके ऊपर पाटा लगा देते हैं, जिससे इन पौधों थोड़े मुड़ जाते हैं। मुड़ जाने से इनमें कल्ले का फुटाव बहुत अच्छी तरह से होता है। कल्ले टूटते नहीं हैं, लेकिन हाँ मुड़ जरूर जाते हैं। मुड़ने से इनमें जो फुटाव होता है पैदावार के लिए बहुत अच्छा होता है। कुछ किसान